दोस्तों, आज मैं डिजी लॉकर के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिजी लॉकर है क्या चीज़। बहुतों को पता होगा कि ये डिजी लॉकर सरकारी एप्लीकेशन है, यानी आप इसमें अपना सारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं, अपलोड करके रख सकते हैं। और ये क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल कराता है, जैसे कि गूगल ड्राइव पे हम लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ भी फ़ोटो वीडियो रख सकते हैं। तो इसमें सारा डॉक्यूमेंट आप इसमें रख सकते हैं डिजी लॉकर में। चूँकि डिजिटल इंडिया के तहत इसे डेवलप किया गया है, और इसमें सरकार के फ़ायदे क्या हैं, ताकि सारा काम जैसे होता है ना कि कैशलेस इंडिया, तो इसमें जो है पेपरलेस इंडिया, इसी डिजिटल इंडिया के तहत डिजी लॉकर में ऐसा प्रावधान किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये डिजी लॉकर में हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करें, या फिर कैसे अपलोड करें, या साइन कैसे करें। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको digilocker.gov.in पर लॉग इन करके, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिर और आधार से वेरीफाई करना होगा। सब कुछ कि आपका जो आधार नंबर है वो मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं है, तो आप बाद में भी आधार नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। और इसका एक एप्लीकेशन भी आता है, तो डिजी लॉकर का एप्लीकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो डिजी लॉकर में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकारी प्राइवेट, जो डिजी लॉकर से कनेक्टेड हैं। यानी आप कहीं, जैसे कि मैंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से मैट्रिक पास आउट हुआ हूँ, तो वहाँ से मैं डॉक्यूमेंट जो है इस डिजी लॉकर में फैचिंग कर सकता हूँ। यानी वहाँ से इशूड होके मेरा डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा, और मैं इस डिजी लॉकर से अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूँ। तो डिजी लॉकर के कुल मिला के बात करें कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो चलिए, मैं अब दिखा रहा हूँ उस एप्लीकेशन एंट्री करके, क्या एप्लीकेशन में कैसा क्या उसका इंटरफेस है। कुछ इस तरह का इंटरफेस है डिजी लॉकर एप्लीकेशन का, और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि आधार का, UIDAI, इस तरीके से जो है गवर्नमेंट, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिजी लॉकर से कनेक्टेड हैं। यानी आप अपना आधार कार्ड इसमें डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारा मैंने फैचिंग करके रखा है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मेरा 10th का मार्कशीट, आप देख सकते हैं। ये रहा मेरा मार्कशीट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजी लॉकर वेरीफाइड। और वैसे भी मेरा फ़ोटो 10th में उतना अच्छा नहीं दिखता था, उतना क्यूट नहीं हूँ मैं, सिग्नेचर भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें कि डिजी लॉकर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज़ बना लें, ताकि डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे यहाँ पे। और चूंकि गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, तो डेटा वगैरह चोरी नहीं होगा। आप यहाँ मोबाइल पिन से और ज़्यादा सेव कर सकते हैं, पिन लगा के, पासवर्ड लगा के। तो डिजी लॉकर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप करके तो देखिए। और इसमें ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए, ईमेल आईडी भी अच्छा है। सपोज मैं अपना 10th का कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पे लाना चाहता हूँ, यानी डिजी लॉकर में लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको जाना होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची में। फिर क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डालना होगा, रोल कोड, और उसके बाद आपको डालना होगा रोल नंबर, आपका रोल नंबर मैट्रिक में क्या था वो यहाँ आपको फिलअप करना होगा, और उसके बाद आप किस साल मैट्रिक पास आउट हुए हो वो यहाँ पे फिलअप करना है, चूज़ करना है मतलब, और यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है।
चूंकि मैं ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे शिप कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ ऑलरेडी बता दिया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, ज़्यादा इसमें हार्ड बात नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।